ये क्वीन बेड में मैं रात को सोया था, आसमान इधर सोया था और अदनान उधर सोया था। अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप 11 बजे का चेकआउट टाइम है, उससे लेट नहीं हम कर सकते, नहीं तो वो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेंगे। अभी इधर रेस्टोरेंट मुश्किल से रात को वो मिलते हैं, फ्यूल पंप था जहाँ से हम चीज़ें लेके आए, स्नैक्स वगैरह। और ये हमारा मोटर बॉयस मेरे से आगे, क्या करना है, भूख बहुत लगी है, फिलहाल से रेस्टोरेंट देखेंगे जहाँ हम अच्छा सा नाश्ता कर सकें। कीजी टर्न हमने की नहीं थी, लेकिन वैसे इतना ज़रूरी नहीं होता, आप कमरे में भी छोड़ दो, कोई मसला नहीं, मैं पता होता है, हमने चेकआउट कर दिया। अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए रेस्टोरेंट चूज़ कर रहे थे, गूगल के ऊपर सर्च कर रहे थे कि कौन सा अच्छा है, तो हमें दो ऑप्शन मिली, एक इंडियन रेस्टोरेंट और एक कबाब शॉप। इतना बड़ा अश्लील जानवर ये तो लोग खाते हैं। Lobster. Oh, nice. Finally, जिसका इंतजार था, we are in Byron Bay. दो घंटे की 10 ज़्यादा की। रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा है इधर, हलाल कम है। इतनी मुश्किल से एक देसी रेस्टोरेंट ढूंढा हमने, चल के आए और आगे हमें ये देखने को मिला। पहले 15 मिनट से वॉक कर रहे हैं तो कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल जाए, और पेट पे चूहे दौड़े हैं, एनर्जी है नहीं बोलने के लिए। लगता सारे लोग इधर गरीब है, किसी ने शर्ट नहीं पहनी है। ये अलकायदा का झंडा है ना। बायरन बे में सिर्फ हमें टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं और खूबसूरत दशीज़ाएँ नज़र आ रही हैं, इसके अलावा रेस्टोरेंट तो मिल ही नहीं रहे खाने के लिए। इसके ऊपर बैठा के बंदा तुझे बायरन बे की सैर करवाए। तो फाइनली हमें हलाल कबाब शॉप मिल गई, इसका नाम है जाजा कबाब। उस लड़की को नहीं, उसको देखना। एवरीथिंग इज हलाल है, स्नैक पैक चिकन मिक्स चिकन चीज़ ऑन इट ये अली रोबे चिली गार्लिक मायोनीज 100% चीज़ें हलाल हैं और हम सुकून के साथ खाना खा रहे हैं। है पानी 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 पानी, आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं कोई चीज़ ही खाने वाला, एक पैसे सारे इस चीज़ के। बायरन बे आने के पैसे पूरे हो गए, अभी इस टाइम बीच के सामने बैठे हुए हैं, फ्रेश सांस अंदर जा रही है, उस वहाँ की तो इतनी फ्रेश सांस ले रहा है कि इसका कलर ही चेंज हो रहा है, पहले काला था अभी चिट्टा नजर आ रहा है। भाई फिल्टर लगाया हुआ है आपसे, मेरा बड़ा गर्क हो गया, इसने जला दिया मुझे। ये देखो भाई, ये देखो और ये देखो, ये मैं सनस्क्रीन भी लगाऊंगा। ये देखें, ये भी बीच की ठंडी हवा लेने आया हुआ है, अभी नहाने जाएंगे बीच पे, शाका वाका बूम बूम। विटामिन डी ले रहे हैं, इनको सबको विटामिन डी की बहुत कमी है। वॉइस की ड्रेसिंग तो देखते हैं आप। चले यार, और इंतजार नहीं हो रहा मेरे से। आजा 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 आजा। क्या सुन रहे हो? ये बहुत दुशीजाएं जो थी ना, इतनी भी इधर, इन्हें सबको विटामिन डी की कमी है। मुझे विटामिन डी की कमी है। ये जूता भी इधर उतार दो ना, सामान के बूबीज। आप विटामिन डी की कमी पूरी करने लगे भाई। भाई पानी के अंदर जा रहे हैं, कुछ हो गया ना। हमारे जो रूममेट है सदर साहब और हमजा, हमारी जितनी भी जायदाद है वो गरीबों में बांट देना, वैसे सबसे बड़े गरीब आप बुद्धि हो। ये बड़े मजे का ठंडा पानी है यार। तो मेरे जूता उतार के आया हूँ, आप कुछ नहीं होता। हम तो आगे जाएंगे, तो हैं लंबी मंजिल के मुसाफिर। ये काफी बड़ी थी, देखा तूने क्या हुआ मेरे साथ। मेरी यार किधर जा रही, मैं इधर जा रहा हूँ। ग्लासेस गुम हो चुकी हैं, मेरा फोन भी गुम हो गया था।
बहुत मसला है कि मैं बगैर ग्लासेस के ड्राइव नहीं कर सकता, मुझे अलाउ ही नहीं है। ये कि बगैर ग्लासेस के ना मुझे दूर से नजर ही नहीं आता, मुझे कोई मसरूआत नजर नहीं आ रही। आई एम फुल अलार्म मोड नाउ। फाइनली पैसे हो गए पूरे, अभी हमारा यहाँ पे हो गया काम खत्म। बहुत इंजॉय कर लिया, बहुत नहा लिया, अभी हम जाएंगे वहाँ ऊपर, वो दिखाओ सर। Now we have to go very far from here. हर जगह साल भी तो वॉश करेंगे फिर जाएंगे। लड़कियों ने बहुत ज़्यादा विटामिन डी लिया है, हमने जिंदगी में पहली दफ़ा विटामिन डी लिया। मैंने ए बी सी डी ई एफ जी सब ले लिया भाई। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। पानी से नहाना चाहिए। मन तुम भी एक दफ़ा इधर ना आओ, मज़ा ना आया पैसे वापस। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। बायरन बे की फाइनल डेस्टिनेशन वो है लाइट हाउस, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन बायरन बे। ऊपर आके कुछ सामने हम कर देख रहे हैं भाई, हम भी एक दिन उधर कर लेंगे इंशाल्लाह। देखो जो इतनी थकावट हुई है ना, जो हम कल की ड्राइव करके आए, इसके यहाँ पे आके पैसे पूरे हो गए, थकावट सारी उधर गई है व्यू देख के। सही बात भाई, मैं तो बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ। बायरन बे का व्लॉग जो आपने अभी देखा, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा गोल्ड कोस्ट का व्लॉग। तो गोल्ड कोस्ट के जो व्लॉग हैं वो ज़्यादा एक्साइटिंग और ज़्यादा मज़े के हैं, तो वो दो व्लॉग अपलोड होंगे गोल्ड कोस्ट के। बाकी वीडियो को लाइक करें और इसको जो हमारा कॉन्टेंट है शेयर करें, ताकि हमारे ज़्यादा व्यूज़ आएँ और हम मोटिवेट हों और डेली व्लॉगिंग शुरू करें। उस्मान के चैनल पे भी आपको वीडियो देखने को मिलेगी, तो इसके वीडियो को भी आपने देखना है और वीडियो को शेयर करना है। राज जी, लोग कहते हैं यार नहीं हमें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब कंटेंट शेयर करने की बारी आती करते ही कोई नहीं। ब्रो करेंगे करेंगे, वो पहले भी सपोर्ट करते थे, लाइक करते थे, क्योंकि आपने छोड़ दिया था बीच में। हाँ। फिर आपने दोबारा स्टार्ट किया, तो लोग जो है ना इस वजह से थोड़ा खफा है आपसे, तो इंशाल्लाह दोबारा सपोर्ट करेंगे आपको। और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, सैफ लिंक शेयर कर देगा। हाँ। और भाई को भी लाइक शेयर सपोर्ट ठोक दो। तुमने तो ऐसे कहा जैसे मारी दो। नहीं मतलब वो जो लाइक वाला बटन है उस पे जो है ना दबा दो, ठोक। हाँ। दो। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, अल्लाह।